जय हिंद दोस्तों, मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो है सेशन 24-25 यानी कि जो भी स्टूडेंट बीसीसी का इस बार एग्ज़ाम दिए हैं सेशन 24-25 के लिए, तो किस किस कॉलेज में किस किस कैटेगरी के लिए कितना कितना सीट है उसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीसीसी का रिजल्ट आउट हो चुका है, आप लोग अपने रैंक कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। किस प्रकार से रैंक कार्ड को डाउनलोड करना है इसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से जाकर उस वीडियो के थ्रू आप लोग जाकर अपने रिजल्ट कार्ड को रैंक कार्ड को डाउनलोड करके रख सकते हैं, क्योंकि यही रैंक कार्ड जो है आप लोग को एडमिशन के समय पर लिया जाएगा। तो खैर, हम लोग बिना टाइम गवाए हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, ठीक है, कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में जितने भी कृषि कॉलेज आते हैं या कृषि से संबंधित जितने भी कॉलेज आते हैं, सभी कॉलेज में किस किस कैटेगरी के लिए कितना कितना सीट है, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के विभिन्न स्नातक, स्नातक मतलब होता है यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, पाठ्यक्रमों में कोटिवार उपलब्ध सीटों की संख्या, यानी कि किस किस कैटेगरी के लिए कितना कितना सीट है किस किस कॉलेज में, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएससी सबौर। बीएससी सबौर का मतलब हुआ बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर भागलपुर। यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई होती है। इसमें अगर बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीसीसी से टोटल जो है 85 स्टूडेंट का एडमिशन होता है, ठीक है, बीसीसी से टोटल जो 85 स्टूडेंट का एडमिशन होता है, जिसमें से जो है 50% सीट जो है पीसीएमबी के लिए होता है और 50% सीट जो है वो एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है, ठीक है, यानी कि 50% सीट जो है नॉन एग्रीकल्चर और 50% सीट जो है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए आरक्षित होता है। और 15 सीटों पर क्या होता है कि सीयूटी से स्टूडेंट यानी कि आईसीआर के एग्जाम से स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, यानी कि टोटल सीट कितना होता है 100 सीट होता है आईसीआर को सीट को लेकर। तो हम लोग जो है बीसीसी से जो 85 सीट आते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि किस किस कॉलेज में किस किस कैटेगरी के लिए कितना कितना सीटें जो है आरक्षित हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएससी सबौर यानी कि बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से। तो यहाँ पर जो है यूआर के लिए 11 सीट है, एससी के लिए 8 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए 11 सीट है, बीसी के लिए 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, और टोटल जो है यानी कि जो भी स्टूडेंट नॉन एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए जो है 43 सीट है, और जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए 42 सीट, ठीक है, जिसमें से यूआर के लिए 10 सीट है, एससी के लिए 9 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए 10 सीट है, बीसी के लिए 8 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि एक सीटों का बंटवारा किया गया है बिहार कृषि कॉलेज एमबीएससी मंडन भारती कृषि कॉलेज अगवानपुर सहरसा का, वीर कुंवर सिंह कृषि कॉलेज डुमराव बक्सर का, भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज पूर्णिया का, डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज किशनगंज का, ठीक है, यानी कि ये जो पाँचों कॉलेज है, ठीक है, इन सभी कॉलेज में जो है टोटल जो है यूआर का सीट एससी एसटी ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस और टोटल सीट का संख्या सीमित, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सब कुछ इसमें सेम ही है, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए सब कुछ सेम है। अब हम बात करते हैं नूरसराय कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, यानी कि हॉर्टिकल्चर कॉलेज के बारे में जो कि नालंदा नूरसराय में है। यहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई केवल जो है 5 ही कॉलेज में होती है, उसके बाद एग्रीकल्चर के जो अलग अलग ब्रांच है जो अलग अलग सेक्टर है उसकी पढ़ाई अलग अलग कॉलेज में होती है। तो नूरसराय कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वहाँ पर जो बीएससी हॉर्टिकल्चर का कोर्स होता है, जिसमें अगर हम बात करें जो स्टूडेंट नॉन एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए 21 सीट हैं और जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए भी 21 सीट, यानी कि 42 सीटों पर यहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें कि जो है यूआर के लिए यहाँ पर जो है 5 सीट हैं, ठीक है, एससी के लिए 4 सीट हैं, यहाँ पर जो एसटी के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं, क्योंकि एसटी की आबादी बिहार में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, और एसटी का मतलब होता है कि एक शेड्यूल ट्राइब यानी कि जनजाति लोग, जहाँ पर पहाड़ वार का क्षेत्र होता है वहाँ पर पाया जाता है, इस कारण से बिहार में इसका सीट जो है नहीं ही या बहुत कम ही होता है। उसके बाद ईबीसी के लिए 6 सीट है और बीसी के लिए 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, टोटल सीट 21। उसी प्रकार से अगर बात करें जो भी स्टूडेंट का एग्रीकल्चर है, चाहे वो सीबीएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो जो है एमबीए हो, एमसीए हो, कुछ भी हो, अगर एग्रीकल्चर है उनका
तो उनके लिए जो है यूआर सीट 5 गो हैं, एससी 4 सीट हैं, एसटी का 1 सीट है, ईबीसी का भी 5 सीट है और बीसी का 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, टोटल सीट 21 गो। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को मिला के तो टोटल जो 42। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस मुंगेर के बारे में। यहाँ पर जो है फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस की पढ़ाई होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर टोटल सीट की बात करें तो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए 25 सीट है और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए भी 25 सीट, यानी कि टोटल जो 50 सीटों पर यहाँ पर एडमिशन होना है। अगर हम कैटेगरी वाइज सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर यूआर के लिए 6 सीट है, ठीक है, एससी के लिए 5 सीट है, एसटी के लिए 1 भी सीट नहीं है, ईबीसी के लिए 7 सीट है, बीसी के लिए 5 सीट है और बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। टोटल सीट इस प्रकार से 25 हो गया। उसी प्रकार से अगर बात करें एग्रीकल्चर वाले सीटों में तो 6 सीट यूआर का है, 5 सीट एससी का है, 1 सीट एसटी का है, 6 सीट ईबीसी का है, 4 सीट बीसी का है, 3 सीट ईबीसी का है और टोटल सीट इस प्रकार से 25, यानी कि यहाँ पर टोटल जो 50 सीटों पर एडमिशन होता है, 50 स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इसकी पढ़ाई अभी जो सबौर भागलपुर में ही होती है, तो इसके सीटों के बारे में, तो यहाँ पर जो टोटल 30 और 30, टोटल 60 सीटों पर एडमिशन होगा, जिसमें से अगर हम कैटेगरीज वाइज बात करें तो यहाँ पर यूआर के लिए 8 सीट है, एससी के लिए 6 सीट है, एसटी के लिए 1 भी सीट नहीं है, ईबीसी के लिए 7 सीटों पर एडमिशन होगा, ईबीसी के लिए 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है, टोटल सीट 30 है, ठीक है। यूआर के लिए उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर वाले सीटों में तो यूआर के लिए 7 सीट पर एडमिशन होगा, एससी के लिए 6 सीट पर, एसटी के लिए 1 सीट पर, ईबीसी के लिए 8, बीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और टोटल सीट इस प्रकार से 30 हो गया। अगर हम आगे बात करें कि जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि आरा भोजपुर में है, यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर 30 और 30, यहाँ पर भी 60 सीटों पर एडमिशन होगा, जिसमें से अगर बात करें कि नॉन एग्रीकल्चर वाले सीट में 8 सीट यूआर है, 6 सीट एससी का है, 7 सीट ईबीसी का है, बीसी का 6 सीट है, 3 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल सीट इस प्रकार से 30 हो गया नॉन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए। और जिसका जिनका एग्रीकल्चर उनके लिए भी यूआर में 7 सीट है, एससी में 6 सीट है, एसटी में 1 सीट है, ईबीसी में 8 सीट है, बीसी में 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर भी 3 सीट है, इस प्रकार से यहाँ भी 30, यानी कि टोटल जो 60 सीटों पर एडमिशन होगा। इसके बाद वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे कि कितने कितने रैंक तक का किस किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है उसके बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बिना इस वीडियो को समझे हुए आप लोगों को वो जो अगला जो वीडियो हम लोग आएगा रैंक कार्ड पर, उस वो वीडियो आप लोग को समझ में थोड़ा परेशानी हो सकती है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और कम से कम एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने के नाते जहाँ हम लोग को पता होना चाहिए कि किस किस कॉलेज में किस किस कैटेगरी के लिए कितना कितना सीट है, किस कॉलेज में कृषि विज्ञान की पढ़ाई होती है, किस कॉलेज में फॉरेस्ट्री की पढ़ाई होती है, कहाँ पर बायोटेक की पढ़ाई होती है, कहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, कितना कितना सीट है, ये सभी तो एक बेसिक नॉलेज के तौर पर हम लोग को पता होना ही चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों के मन में कोई भी जो है प्रश्न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग उसका हर संभव आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को समय समय पर इस प्रकार का अपडेट मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।